ये जो चटनी हम बना रहे हैं आज, ये हमने आमचूर से बनाई है और ये ऐसी चटनी है जो 5 मिनट में रेडी हो जाती है। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप शक्कर ली है और 1 कप पानी लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके उबलने के लिए रख दिया है। इसे हम इस तरह से हिला लेंगे जिससे शक्कर नीचे ना बैठ जाए। और ये चटनी ऐसी है कि जो एकदम फास्ट बन जाती है। जैसे ही ये चाशनी हमारी उबलने लगे, पूरी तरह से शक्कर पिघल जाए, बाद में हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, हाफ टी स्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून हमने नॉर्मल जो अपना नमक रहता है वो हमने डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जीरा भी डाला है। जीरा यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। 4 से 5 मिनट जब ये उबल जाए तब हम इसके अंदर 1/4 कप आमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 तेजपान का मैंने 1 पत्ता डाल दिया है, 1 लीव्स डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से ये उबल गया है। अब इसके अंदर मैंने 1/4 कप काजू किशमिश के टुकड़े डाले हैं। यहाँ पे आप चाहे तो खरबूज के बीज, तरबूज के बीज भी इस चटनी के अंदर डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 4 से 5 मिनट उबलने के बाद इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया है। ये चटनी जब ठंडी होती है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है, इसलिए जब हम इस चटनी को जब हम मतलब गैस पर से उतारते हैं तब उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण ठंडा होने के बाद वो नॉर्मल थिकनेस इसके अंदर आ जाए।